नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चारभुजा ई मित्र पर। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अल्पसंख्यक के लिए जो आवेदन पत्र है वो आप कैसे भर सकते हैं, मतलब इसका जो प्रमाण पत्र बनता है, जो सर्टिफिकेट बनता है, तो वो आप कैसे बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको एक ऑफलाइन जो फॉर्म है वो आपको इस टाइप का मिल जाएगा। ये PDF है पूरा, इसका मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको किस प्रकार भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ, और किस किस के साइन होंगे, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, वो भी हम थोड़ा सा यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, आपको इस टाइप का फॉर्म मिलेगा। सबसे पहले जो आवेदक है उसके आधार नंबर यहाँ पर आपको लिखने हैं, यहाँ पर उसके जो जनाधार नंबर है वो आपको लिख देने हैं। यहाँ पर आधार कार्ड में देखकर नाम लिख देना है, पिताजी का नाम यहाँ लिखना है, वर्तमान पता यहाँ लिखना है, और स्थायी पता अगर अलग है तो यहाँ, बाकी सेम यहीं पर लिख देना है। यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो है वो चिपकाना है, और यहाँ पर आप देखें तो जो उसके गांव या शहर का नाम है वो लिखना है, तहसील यहाँ पर जिला, यहाँ पर जन्म डेट लिखनी है, और यहाँ पर जन्म स्थान लिखना है। यहाँ से आप जन्म डेट कैलकुलेट कर लेंगे, कितने ईयर हो रहे हैं वो यहाँ पर उम्र लिख देनी है। यहाँ पर जेंडर लिखना है, मेल या फीमेल। इसके बाद में वैवाहिक स्थिति, विवाहित अविवाहित। उसके बाद में अल्पसंख्यक का जो वर्ग है वो यहाँ पर आपको लिख देना है कि वो कौन से वाले वर्ग में यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद में समुदाय, पिता का सेम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में उसने शिक्षा आदि के लिए कौन सी जो धर्म है उसका अंकन किया है, धर्म यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर क्या आपका परिवार राजस्थान का मूल निवासी हो तो यहाँ पर यस करना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखने हैं, और जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं वो डेट यहाँ पर लिख देनी है, और अपना जो गांव है या फिर जो भी स्थान है वो यहाँ पर लिख देना है, और जो आवेदक है उसके यहाँ पर हस्ताक्षर कर लेने हैं। यहाँ पर जो पटवारी होते हैं आपके एरिया में, जो भी आपके वहाँ पर लगेंगे, तो उनके द्वारा यहाँ पर साइन करवा देने, ये पूरा फॉर्म वो भर देंगे, वो अपने हिसाब से देख के कम्प्लीट किए, इसी के सदस्य राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र से देख के, और यहाँ पर साइन छाप सब कुछ वो कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्टार मार्क लगे हुए जो भी कॉलम है वो आपको भरने अनिवार्य है। यहाँ पर आपको दो गवाह लगाने हैं, जिसमें सरपंच हो सकता है या फिर स्कूल टीचर, तो ये आपको लगाने हैं। यहाँ पर लिस्ट दी गई है, उत्तरदायी व्यक्ति में संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, राजपत्रित अधिकारी, जिला प्रधान या फिर प्रमुख, या फिर जिला परिषद सदस्य, यहाँ पर आप सरपंच के साइन करवा सकते हैं, ग्राम सेवक, पटवारी साहब के आप आगे करवा रहे हैं, यहाँ पर महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम सदस्य, अराजपत्रित कर्मचारी, बीट प्रभारी का प्रमाण पत्र जिस पर उनकी मोहर और जो भी उनका साइन है वो होना अनिवार्य है, तो वो ये दोनों जो आप देख सकते हैं गवाह, तो ये कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद में आप देखें तो ये शपथ पत्र है, आवेदक को अपने नाम से भरना है, आवेदक का नाम, उसके पिता का नाम, उसके बाद में अगर लड़की है तो पुत्री आ जाएगा, और उसके बाद में इसका जो स्थान है वो लिखना है, जो भी निवास स्थान है, गांव का नाम, तहसील, और वापस उसका जिला। इसके बाद में अल्पसंख्यक जो समुदाय है उसका कौन सा वर्ग है वो यहाँ पर लिखना है, वापस से यहाँ पर भी वही लिखना है। उसके बाद में जो जन्म दिनांक है और कौन से स्थान पर जन्म हुआ वो लिखना है, और कोई भी जन्म मतलब ये परिवर्तन नहीं किया है ये यहाँ पर कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर वापस से जो वर्ग है वो लिखना है, और यहाँ पर भी वापस वर्ग ही लिखना है, और यहाँ पर जो भी उनका जिला है वो यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ की मैं अपने नाबालिग, ये अगर नाबालिग है कोई तो उसके लिए ये भरना है कि अपने पुत्र के लिए ये समुदाय का प्रमाण पत्र बनवा रहा हूँ। अगर कोई नाबालिग आवेदक है तो ये भरना, 18 साल से कम का है तो पिता के नाम से, बाकी की डिटेल और यहाँ पर जिसका आवेदन कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा। बाकी आप देखें तो जो आवेदक अगर 18 प्लस है तो वो पूरा इसको भर सकता है। यहाँ पर साइन करना है, यहाँ पर वापस नाम लिखना है, और वापस से यहाँ साइन कर देना, यहाँ पर डेट लिख देनी है, तो ये उसके पिता के नाम से या फिर खुद के नाम से, अगर 18 से कम है तो पिता के नाम से भरना है। अब इसके साथ ज़रूरी दस्तावेज मैं आपको कुछ बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास जो जन आधार कार्ड है वो होना अनिवार्य है,
तो एक तो जन आधार कार्ड होना चाहिए, आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, आवेदक के पिताजी का आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, इसके साथ में जो पिताजी है उनका वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदक का होना चाहिए, खाता नकल लगानी एक आपको ज़मीन की जो अपना खाता से आपको मिल जाएगी, इसके अलावा स्कूल का जो भी सर्टिफिकेट है या 10th 12th की जो मार्कशीट है वो आप साथ में अटैच कर सकते हैं। अगर आपका पुराना कोई जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो वो भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं। तो ये सारे दस्तावेज की फ़ोटोकॉपी आपको साथ में लगानी है। इसके साथ में अगर मैंने आपको नहीं बताया हो तो पिताजी का आधार कार्ड भी लगेगा। तो ये सभी दस्तावेज की फ़ोटोकॉपी आपको सेल्फ अटेस्ट करके इसके साथ में जोड़ देनी है। ये सारा काम करने के बाद ई मित्र पर जाना है, वहाँ से इस फॉर्म को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी, आशा करूँगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको भी इस फॉर्म में कोई समस्या आ रही थी तो आप ज़रूर इस प्रकार से भर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।